हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुंद माधव किचन एमएस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खमन ढोकला की रेसिपी। अगर फ्रेंड्स तला भुना खा खा के बोर हो गए हैं तो आप इस तरीके से खमन ढोकला बना सकते हैं मेरे तरीके से। बहुत ही टेस्टी, खट्टा मीठा, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है फ्रेंड्स। बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रेसिपी बनाना बिना किसी देरी के। ढोकला बनाने के लिए एक बर्तन देंगे, 2 कप बेसन डालेंगे, आप किसी भी चीज़ से नाप सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 2 पिंच जितनी हल्दी डालेंगे। हल्दी ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें सोडा का इस्तेमाल करेंगे और हल्दी सोडा से ढोकले का कलर लाल हो जाता है अगर हल्दी ज़्यादा हो जाएगी तो। 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालेंगे, क्योंकि हम खट्टा मीठे ढोकला बना रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। 1/2 चम्मच सिट्रिक एसिड डालेंगे, इसको टार्टरिक बोलते हैं। अब हम सूखा ही इसको मिला लेंगे एक बार, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। आप चाहें तो फ्रेंड्स इस तरीके से प्रीमिक्स भी बना कर रख सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक बढ़िया घोल बना के तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं घोल हमने बना लिया है, लेकिन इसको हमने 5 से 6 मिनट तक फेंटा है लगातार एक ही डायरेक्शन में, ताकि इससे अच्छी सी हवा इसमें भर जाए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ढोकले का बैटर का कलर चेंज हो गया है, इसमें अच्छी से हवा भर गई है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और फिर से चलाते हुए इसको 2 मिनट तक और फेंट लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए कितनी अच्छी साइन हमारे बैटर में आ गई है, इससे बहुत ही स्पंजी ढोकला बनता है। तो बैटर रेडी है, अब हम इसको रख देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए ढककर। अब हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया फ्रेंड्स। अब हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेंड्स ये नींबू का छिलका, इससे कढ़ाई हमारी काली नहीं पड़ेगी, बाद में आपको दिखाऊंगी। ये हमने थाली ली है, थाली हमको थोड़ी गहरी वाली लेना है फ्रेंड्स, और इसमें हमने ऑयल अच्छे से लगा लिया चारों साइड। तो फ्रेंड्स, ये ढोकला का घोल जो हमने बना के रखा था उसको रखे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको एक बार चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इसकी खास चीज़, वो है बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच डालेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा सा पानी डालेंगे, इससे इसमें लम्स ना बने और अच्छे से मिक्स हो जाए। अब अच्छे से मिला देते हैं, ये देखिए इसमें अच्छे से बबल्स आने लगे हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे फ्रेंड्स, अब सीधा हम इसको थाली में पलट देंगे। पानी भी हमारा बॉईल होने लगा है, अब हम ऊपर से रख देते हैं थाली और ये ढोकला का घोल जो हमने बना के रखा है इसको डाल देंगे पूरा ही इस तरीके से। अब हम इसको ढक देंगे फ्रेंड्स, और ढक के हम इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हम चेक करके देख लेंगे एक बार बीच में। तो फ्रेंड्स, ढोकला को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, जो चेक कर लेते हैं एक चाकू से। देखिए चाकू क्लीन निकल रहा है, यानी कि ढोकला हमारा परफेक्ट बन के तैयार है फ्रेंड्स। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको 2 मिनट के लिए और ढक देते हैं। ढोकला को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, नींबू डाला था हमने, कढ़ाई हमारी बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी है, नहीं तो एल्यूमिनियम काला हो जाता है उबालने से। तो फ्रेंड्स, ढोकला हमारा ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है, 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, 1/2 छोटा चम्मच राई डालेंगे और अच्छे से चटकने देंगे। 2 पिंच हींग पाउडर डालेंगे, ये हमने 5 से 6 हरी मिर्च को लंबे टुकड़ों में काट लिया और करी पत्ता लिया फ्रेंड्स, दोनों साथ में डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो करी पत्ता और मिर्च हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेंड्स 1.5 गिलास पानी, 1 चम्मच चीनी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक हमने ढोकला में डाला है फ्रेंड्स, इसलिए नमक थोड़ा कम डालेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है, 1 नींबू निचोड़ देंगे,
तो फ्रेंड्स तैयार है हमारा खट्टा मीठा ढोकले का तड़का। अब फ्रेंड्स हम तड़का को थोड़ा ठंडा कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ढोकला हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसके आप मनपसंद के पीसेस कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े। तो फ्रेंड्स हमने चौकोर पीस में कट कर लिया है, अब हम निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, बहुत ही स्पंजी ढोकला हमारा बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। और आप इसको बनाइए ज़रूर फ्रेंड, ट्राई ज़रूर करिएगा, सिर्फ बेसन से बन जाता है। और तड़का डालते हैं, तड़का भी हमारा हल्का ठंडा हो गया है, अच्छे से डाल देते हैं फ्रेंड्स, ताकि ढोकला हमारा अच्छा जूसी बनेगा इससे फ्रेंड्स, वो बहुत ही टेस्टी लगेगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, ढोकला हमारा बनके तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।